हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, वो भी मसालेदार। वैसे तो आपने बहुत कढ़ी खाई है, लेकिन इस कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले हमने लिया है, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च, ये है गरम मसाला, और ये है हमारा नमक, और ये है थोड़ा सा मेथी दाना। और मसाले में बनाएंगे इसलिए हमें थोड़ी सी प्याज भी चाहिए कटी हुई, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये दही है, और ये बेसन है। इसके अलावा हमें तड़के के लिए चाहिए, तड़के के लिए हमें चाहिए ये है हमारा जीरा, ये है हमारी हींग, और ये है हमारा लाल सूखा मिर्च, और ये है हमारी हरी मिर्च, और ये है हमारा राई दाना, और ये है हमारा कड़ी पत्ता। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कढ़ी के लिए। हम सबसे पहले बनाएंगे उसमें डालने वाले पकौड़े। तो पकौड़े के लिए हमें चाहिए बेसन, और ये हमने ले लिया है, और ये इसमें हम डालेंगे चुटकी भर। पहले तो हम इसमें पानी मिला लेते हैं, हल्का पानी, थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि बेसन जो है पानी ज़्यादा नहीं सोखता है। फिर इसके बाद जब ये हल्का हो जाएगा तो इसमें लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होता है कि आपके पकौड़े जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम नहीं डालेंगे पकौड़े तो वो हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेसन ना अच्छा होने की वजह से पकौड़े सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो देखिए हम इसमें ये बना रहे हैं, और पकौड़े की जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम पानी जो है थोड़ा थोड़ा पोर कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा उसको फेंटते जाइए। ये देखिए बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बेकिंग सोडा हम इसमें लास्ट में मिलाएंगे, क्योंकि अभी से मिला कर रख देंगे तो पकौड़े मेरे बहुत ज़्यादा ही फूल जाएंगे, जिससे ये टूटने लगेंगे। बंद करिए। बेसन तैयार कर रहे हैं, तो कढ़ी के लिए बेसन बनाने के लिए जो है हम सबसे पहले बेसन लेंगे, फिर उसमें हमने लगभग 1 पाव तक हमने दही लिया है, फिर उसको मिक्सअप कर लेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें पानी भी डालते जाएंगे। अच्छे से फेंटेंगे तो हमारी दही कभी फटेगी नहीं। और हम इसमें नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। नमक इसलिए लास्ट में डालेंगे क्योंकि नमक जो है दही को फटने नहीं फाड़ देता है। फिर से बोलना पड़ेगा, फिर से बोलना। ये हमने दही और बेसन का जो है कढ़ी के लिए जो है बैटर तैयार कर लिया। ये देखिए बिल्कुल पतला बैटर रहेगा, और उसमें लास्ट में हम ये जो है हल्दी मिला देंगे। हल्दी से हमारी कढ़ी का कलर और ही अच्छा आएगा। वैसे हम मसाले में भी हल्दी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इधर डाल देंगे और थोड़ा मसाले में यूज़ कर लेंगे। हमने तेल डाल दिया है, और कढ़ाई में तेल हमारा जब तक हीट हो रहा है फिर उसके लिए अब हम ये बेसन उठा चुके हैं, और ये जो बेसन में जो है हमने ये चुटकी ही भर, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी भर बेकिंग सोडा ले लिया, और इसमें ये बेसन में हमने ऐड कर दिया। और फिर ये जो हम इसको अब मिला लेंगे, और अपने हाथों से इन पकौड़ों को हम बेसन में डालेंगे। देखिए हमारा तेल जो है लगभग हो चुका है, और हमने तेल जो है सरसों का यूज़ किया, क्योंकि हमारे यूपी में जो है सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखिए हम छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे। ये हम थोड़े थोड़े पकौड़े डालते जा रहे हैं छोटे छोटे। ये छोटे डाल रहे हैं क्योंकि इसमें अभी बेकिंग सोडा मिला है ना, इसलिए जो है फूल जाएगा। बस हमने बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं डाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकौड़े डालेंगे तो हमारा तेल ठंडा हो जाएगा और हमारे पकौड़े अच्छे से हो नहीं पाएंगे। अब हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, और फिर जो हमारे अभी और पकौड़े का बैटर बचा हुआ है दोबारा उसको भी हम डाल लेंगे। अब हमने अपनी कढ़ी बनाने के लिए यूज़ करना है मसाला, तो हमने जो है कढ़ाई में तेल डाला है, और कढ़ाई का तेल हमारा हो चुका है। तो फिर ये हमने पिंच भर जो है एक चुटकी मेथी दाना लिया है, और मेथी दाना इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे। बहुत से लोग प्याज का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे मेथी दाने की खुशबू अच्छी लगती है। और मेथी दाने को बिल्कुल काला नहीं करेंगे, हल्का सा बस वो ब्राउन होगा, और उसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और हल्का सा पानी का यूज़ कर लेंगे। फिर ये जो हमने मसाले लिए थे सूखे मसाले हमारे, ये धनिया पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर है,
और ये लाल मिर्च है और ये हमारा गरम मसाला है। इन सबको डालकर हम एक साथ भून लेंगे। वैसे हम गरम मसाला बाद में भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ही एक साथ भून लिया है। और ये बस हमारा ये हल्का सा हो जाएगा मसाला। हमारी खुशबू लहसुन अदरक की चेंज हो गई है, खूब अच्छी आ रही है इस टाइम पे खुशबू। इसके बाद जो है हम इसमें जो है अपना जो हमने पेस्ट बना रखा है बेसन और उसका दही का, उसको हम मिलाएंगे। अब ये हमने दही और बेसन का जो पेस्ट फेट कर रखा था, अब उसको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। और इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और ये जो हमारे बेसन है, कढ़ी में जो है बेसन और पानी का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेसन जो है फूलता है पकने के बाद। तो देखिए हम इसको थोड़ी देर तक, कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे, क्योंकि बेसन जो है नीचे के साइड में तली में चिपकने लगता है, इसलिए हमें इसको चलाना ज़रूरी होता है। और चलाने से जो है बेसन और दही फटते नहीं हैं और हमारी जो है कढ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। हम इसमें लास्ट में नमक डाल देंगे। नमक लास्ट में इसलिए डालते हैं कि नमक पहले डाल देंगे तो हमारी दही फटने लगेगी, और लास्ट में डालने से जो है दही फटती नहीं है। हमारी कढ़ी में अब हल्का हल्का बॉयल आने लगा है। हम इसको लगभग 10-15 मिनट से पका रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें जो हमने पकौड़े बनाए हैं उनको ऐड कर देंगे। और पकौड़े ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। पकौड़े पूरे डिप हो गए हैं, अब थोड़ी देर ये पकौड़े इसमें फूल जाएंगे डालने से, तो हमारी जो कढ़ी का रस है वो उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो कढ़ी ये देखिए, अब हमारी कढ़ी जो में उबाल आने लगा है, और ये जो है करीब 5 मिनट से उबाल आ रहा है, और हम इसको लगातार चलाते भी जा रहे थे हल्के हाथों से। अब इसको जो है हम बंद कर देंगे। अब हमें करनी है तड़के की तैयारी। तो ये हमने पैन में डाल दिया है सरसों का तेल, और ये हमारा तड़के का सामान सब रेडी है। अब हमें बस तड़का लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हल्का सा जो है होने लगेगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च डाल दिया। अब इसके बाद ये हम थोड़ी सी दो ग्रीन चिली भी डाल देंगे। और फिर जो है हमने जो है ये राई के दाने हैं इनको डाल देंगे लास्ट में। राई के दाने डालने के बाद जो है ये हम हींग डाल देंगे। हींग हमने डाल दिए। और फिर ये जो थोड़ा सा कलर के लिए हमने शिमला लाल मिर्च भी लिया, इसको डाल के बस हम ऐसे करेंगे। और ये हमारे तड़के का सामान रेडी हो गया। अब हम इसमें जो है ये तड़का लगा देंगे। ये देखिए हमारी जो है कढ़ी का तड़का तैयार है। ये देखिए, ये देखिए हमारी लजीज कढ़ी तैयार है, उसमें तड़का लग चुका है। ये देखने में ही बहुत ही अच्छी लग रही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग एक बार देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फिर बताइए इसका टेस्ट कैसा है।